श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा हमारे दैनिक राशिफल में काफ़ी महत्व रखते हैं। ढाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं, उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है। तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में रहेंगे। जी हाँ, चौथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी होगा, सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है। इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में कुछ मामलों में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा, किसी तरह की लापरवाही आपको इस समय में महंगी पड़ सकती है। इस दिन आपको सिर दर्द की शिकायत रह सकती है, आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान दिख सकते हैं। इस समय में चंद्रमा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके कामों में रुकावटें आएगी, लेकिन समय बहुत बुरा भी नहीं होगा। बस थोड़ा सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा, सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इस समय में आपके बिजनेस के क्षेत्र में दिन ठीक ठाक सा रहेगा, कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी धन के क्षेत्र में दिन अच्छा रहेगा। बस कहीं निवेश करना है तो सावधानी जरूर बरते, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह जरूर ले। बिजनेस से जुड़ी किसी तरह की समस्या आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन कोई बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय में आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके काम की प्रशंसा भी होगी, आपके काम को सहारा जाएगा। इस समय में आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे रह सकते हैं। इस समय में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, नौकरी मिल सकती है, नौकरी मिलने के लिए समय अनुकूल है। इस समय में जमीन जायदाद के कामों में आपको मुनाफा हो सकता है। इस समय में अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई बड़ी वस्तु लेना चाहते हैं तो समय इन प्रकार से इन चीजों के लिए ठीक ठाक रहेगा, अच्छा तो नहीं कह सकते। इस समय में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, कोई नया सामान घर आ सकता है। इस समय में आपकी इच्छाएं कई मामलों में पूरी हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला सा रहेगा, ना ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा, आप पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपके मन में इस दिन कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, आपका ध्यान बाहरी दुनिया में ज्यादा रहेगा और फिर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ठान ले, निश्चय कर ले तो आप कोई भी चीज कर सकते हो, और आज आप जितनी भी विद्या ग्रहण करोगे वो आपके काम जरूर आएगी, ये एक खास बात रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ इस समय में बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, पार्टनर से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए समय अनुकूल है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए भी आज का दिन आनंद से भरा रहेगा, रोमांस से भरा रहेगा, काफी शुभ रहेगा, पार्टनर्स के बीच अच्छा तालमेल रहेगा, लव लाइफ के लिए भी हर प्रकार से दिन अनुकूल ही है। आज आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी, फिजिकली आप काफी फिट रहोगे, लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो, मानसिक परेशानी, थोड़ा तनाव और सिरदर्द की शिकायत आपको रह सकती है, किसी चीज के बारे में टेंशन हो सकता है, कोई चीज आपको काफी परेशान कर सकती है। बाकी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी, पुरानी परेशानियों में भी आपको आराम मिल सकता है। आज एक बात का ध्यान जरूर रखें, चंद्र के चौथे घर में होने से आपको चिड़चिड़ाहट होगी, छोटी छोटी वजह से आप झगड़े भी कर सकते हो, तो इस दिन इस तरह की बातें दिखाई देती है तो आपको शांति बनाए रखनी है ताकि मामला वही खत्म हो जाए, और इस दिन किसी औरों के झगड़ों से भी आपको दूर ही रहना चाहिए। इस दिन आपके लिए माथे पर चंदन का टीका या केसर का टीका लगाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में जरूर डालें, और आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। इस दिन आपके लिए सफेद रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ रहेगा और दो अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।